कांग्रेस नेता और पंजाब की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते शुक्रवार को कांग्रेस के डोनेट फॉर देश कैंपेन में अपना सहयोग दिया। उन्होंने पार्टी को 1,38,000 रुपए का चंदा दिया। सिद्धू ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि डोनेट फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। ये किसी भी पार्टी की ओर से किया गया सबसे बड़ा क्राउडफंडिंग होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के जरिए कैंपेन की पूरी जानकारी शेयर करते हुए लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने ऑनलाइन क्राउडफंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। ये पहल 1920 और 21 में महात्मा गांधी जी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है। इसका उद्देश्य अवसरों से समृद्ध भारत बनाने के लिए हमारी पार्टी को सशक्त करना है। वहीं इस बात की अधिक जानकारी देते हुए कांग्रेस ने बताया कि ये अभियान कांग्रेस की 138 साल की यात्रा का जश्न मनाता है। अपने इतिहास को अपनाते हुए हम समर्थकों को 138 रुपए के मल्टीपल जैसे 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या उससे ज्यादा दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू ने भी 138 के मल्टीपल में ही यानी 1,38,000 रुपए पार्टी को डोनेट किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।